बट मैं आज कुछ आपको हल्की सी बात और बताने वाला हूं कि आपने अगर सी ए में ऑलरेडी इंटर और आईपीसी क्लियर कर लिया है और आप काफी सारे अटेम्प्ट चुके हैं और क्लियर नहीं हुआ एंड सिमिलर इज अस विध सी एनलो इधर यू आर परसुइंग और यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप इट आउट बेटे मैं आज ये वीडियो आप ही के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट्स ऐसा मन में सोच रहे हैं या जो इंटर क्लियर कर चुके हैं फाइनल में आने वाले और जो इंटर अभी कर ही रहे हैं दो तीन अटेम्प्ट दे चुके हैं या फाइनल में क्लियर कर चुके हैं और और इन फाइनल एंड दे गिवन वन टू तो उनके मन में क्या चल रहा होगा मैं जान सकता हूं क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा ही चलता था जैसा आपके मन में चल रहा है बेटे मेरा भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था इंटर में दो बार फेल हुआ फाइनल में दो बार फेल हुआ फिर उसके बाद एसीसी में फेल हुआ फिर सीएम यूएसए फिर सी CFA... फे मैं ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे फेल नहीं हुआ लेकिन पॉइंट इज वो फेल मैं अपनी गलती की वजह से हुआ जब मैंने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत पूरी करते हैं आपको लगता है पास भी हो जाएंगे ड्यू टू सो मेनी अदर रीजन मैं उन रीजन में डिस्कस नहीं करूंगा कि हमारा रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता और ये दुनिया फेवरेबल को देखती है बेटा जो जीता वो सिकंदर बाकी सब बंदर के बंदर तो मैं भूपेश आनंद एक बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज से आपको यह बताने आया हूं कि अगर आप सीए के इस किसी भी जर्नी में हैं जो जर्नीज़ मैंने अभी बताई इवन इफ यू हैव योर तब भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए मैं कहता हूं आपको एक उसके साथ साथ बिकॉज नाउ पॉइंट इज इफ यू हैव है तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी प्रूव हो जाती है कि आपका अकाउंट्स में फाइनेंस में टैक्स में ज्यादा अच्छा रुझान है इट मींस यू लाइक दी सब्जेक्ट अकाउंट अच्छा लगता है फाइनेंस अच्छा लगता है टैक्स अच्छा लगता है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका पास होना एक कोर्स में क्वालिफिकेशन में या ना होना इससे आपकी कैपेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता या आपकी कैलिबर पे कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ता यार आपने मन छोटा नहीं करना है थोड़ी हिम्मत और करनी है मैंने अगर मन छोटा किया होता तो क्या से क्या हो जाता आज मैं वो सब कुछ नहीं कर रहा होता जो अभी कर रहा हूं तो अगर आप सीए इंटर में है तो मैं आपको कहना चाहता हूं तो आपके पास सात रीजन में देने वालों वजह से आपको ACCA भी साथ साथ करना चाहिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सीए छोड़ दें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपने जिस जिस जो द मोटिवेशन विच यू ज्वाइंट उसको कम करें बेटे उसके साथ साथ एक चीज और भी कर लेंगे तो आपकी बास्केट में दो दो फ्रूट्स आ जाएंगे बेटे अच्छा रहेगा

एफआर में एस एफ एम में कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगर फोर्टी प्लस है या है आपको फिर भी नाइन पेपर की एग्जामिशन मिल जाएगी तो पहला एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपको एक यू यू नो विल बी गेटिंग और आप अपना जल्दी एसी सी की क्वालिफिकेशन स्पीड अप कर सकते हैं दूसरा रीजन यार आप एक चीज बताओ आपने इतना टाइम अभी लगा ही दिया एक क्वालिफिकेशन को हासिल करने में भगवान करेगा हो जाएगी मैं तो बिल्कुल आप पॉजिटिव बात कर रहा हूं बट अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि थोड़े से एफर्ट से उतने टाइम में अगर आपको दो क्वालिफिकेशन मिल जाए और आप रोकड़ा कमाना जल्दी शुरू कर दें तो कोई बुराई है यार

फिर भी आपका मन है आउट ऑफ इंडिया जाने का ओवरसीज जाने का आपका मन है 180 प्लस कंट्रीज में काम करने का यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस यू वांट टू इंक्रीज योर पर्सनल प्रोफाइल प्रोफाइल आप अपना लिंक्डइन बढ़ाना चाहते हैं तो बेटे चार पेपर्स देने और एसीसी क्लियर हो जाएगा यार तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट विद इन द सेम टाइम पीरियड इफ यू आर गेटिंग टू क्वालिफिकेशन सेकंड रीजन मेरा है कि आपको दो क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी उसी टाइम पे एक सीए की

मेरे को अब CIA नहीं करना अगर ऐसा मन में आ रहा है तो बेटे मैं एक बात फिर आपसे रिपीट करूंगा आपको इंपॉर्टेंटली बोलूंगा कि आपको उस केस में भी ध्यान रखना है इन द गिस्टांस एंड यू कैन कंप्लीट विद इन वन ईयर क्या होगा कि जो पीछे का बैकलॉग होगा या पीछे की जो नेगेटिविटी होगी आपने बार बार पेपर दिए एंड यू आर नॉट गेटिंग इट क्लियर यू नो एंड ऑलरेडी डन पार्ट so so the point is just for say 8 9 months or one year maximum you know max you can clear acc you have to just give four papers to un bachcho ko bhi main ye kahunga ki aapko dena chahiye dekhiye ek baat aur batau dost acc ke paper quarter wise hote hain quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 ca papers are half yearly you know you are well aware of that it means आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं एक एक पेपर देना चाहें वो कर सकते हैं तो आपका काम जल्दी से complete होगा and नहीं आ रहा, मैं अब उन में नहीं जा रहा। तो आपके लिए गोल्डन चांस है तो आई वु पहले मेरे को बाद में करना पड़ा इतनी सारी डिग्रीज करनी पड़ी फिर एसी सी एस 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 करना पड़ा डिप्लोमा करना पड़ा बेटे आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं मन से आपको कह रहा हूँ कि आप वेदर यू आर गोइंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिलेबस और प्रायर टू दैट सिलेबस बिकॉज आपका स्टडी कंटेंट सेम है यार अगर आपने सी ए इंटर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको बड़ी सारी बातें क्लियर है तो जो एसीए के पेपर्स में स्किल लेवल में जो बाकी पेपर्स है जल्दी क्लियर हो जाएगा और सपोज करते हैं अभी आप आपका फाइनल क्लियर नहीं और आप सीए आईसी प्रोफेशनल क्लियर कर रहे हैं दैट दैट इज इज बिजनेस बिजनेस लीडर रिपोर्टिंग तो आपको सीए फाइनल में और ज्यादा हेल्प मिलेगी और मोर विल बी क्लियर टू यू तो एक पंथ दो कंसे सुना होगा आपने बचपन में एक काम करेंगे दो डिग्रीज आएंगी दो क्वालिफिकेशन आएंगी और लाइफ में आप एंजॉय करेंगे बेटे छोटी सी लाइफ है यार क्यों हम किसी चीज को बार 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 वेस्ट करें अपना टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी है आपके अंदर कैलिबर है तो व्हाई नॉट टू डू दैट माय बेस्ट विशेज आर विद यू बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफल